एवरीवन वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। वेल आज का वीडियो होने वाला है ऑन द टॉपिक एयर एशिया, और ये एयर एशिया के उस चीज के ऊपर नहीं होने वाला है जो कि शायद से आप अभी रिसेंटली यूट्यूब पे देखते हुए आ रहे हैं रिगार्डिंग गौरव तनेजा एंड एयर एशिया। ये चीज उससे बिल्कुल परे है। एक्चुअली ये चीज जो है ये एयर एशिया की फाइनेंशियल कंडीशन पे है। मार्केट में अभी देखो कैसा हाल है, एक जगह पे एक नई कंपनी धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है और एक जगह पे एक कंपनी धीरे धीरे डूबती जा रही है। सो दैट्स हाउ इट इज, कहीं धूप कहीं छाव। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वैसे ये जो पूरी चीज है इसकी शुरुआत हुई थी बैक इन सितंबर 2019, जहां पे टोनी फर्नांडिस जो कि एयर एशिया के ओनर है। वेल गाइस, अगर आपने एयर एशिया के ऊपर प्रॉपर वीडियो नहीं देखा है तो मेरा हैशटैग नो बिफोर यू गो का सीरीज है जो कि यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाने वाला है। और साथ ही साथ प्लीज जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से आपका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी एयरलाइंस के इंटरव्यूज आते हैं एविएशन से रिलेटेड, जितने भी इनसाइडर्स होते हैं वो सब मैं सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ही शेयर करता हूं। तो आपको वहां पे मिल जाने वाला है एक बहुत ही अमेजिंग सा एविएशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जहां से आप मेरे से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आपकी जो भी क्वेरीज है आप वहां पे पूछ सकते हो। सो बैक इन 2019 जब टाटा सन्स एंड एयर एशिया ग्रुप के मालिक टोनी फर्नांडिस का बोर्ड मीटिंग हुआ था, तो उस टाइम पे टाटा सन्स ने एयर एशिया इंडिया में कुछ मेजर चेंजेस करने के लिए बोला। बट देन टोनी फर्नांडिस वॉज नॉट सो सेटिस्फाइड विद दैट, बिकॉज यू नो मालिक थे, उनको लगा कि नहीं शायद से ये प्लान्स एंड पॉलिसीज उतना इफेक्टिव नहीं रहने वाले हैं, इसीलिए ही कंटिन्यूड विद द सेम पॉलिसी एंड टाटा ग्रुप को उतना ज्यादा अथॉरिटी नहीं मिला। जबकि टाटा ग्रुप एयर एशिया इंडिया में 51% के स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो टाटा सन्स ही एयर एशिया इंडिया के मालिक हैं, जो बाकी 49% है दैट इज बीइंग ओन्ड बाय एयर एशिया ग्रुप इटसेल्फ जो कि मलेशियन बेस्ड एयरलाइन। इस ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से एविएशन इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये दोनों ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो यही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टोनी फर्नांडिस एंड पूरी पार्टी ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, अपना जो एयर एशिया इंडिया है ना, जो 49% का भी हमने स्टेक लेके रखा था उसको भी हम किसको सेल कर देते हैं, टाटा ग्रुप को। तो वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा एयर एशिया ग्रुप के लिए। बट जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब से 2014 में एयर एशिया इंडिया लॉन्च हुआ है, सिंस देन एयर एशिया इंडिया एक रिमार्केबल प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा है, वो सिर्फ अपना मनी लूज कर रहा है बिकॉज इतने लॉसेज हो रहे हैं। एंड अभी ये जो पैंडेमिक आ गया इस वजह से तो और भी ज्यादा लॉसेज हो गए हैं। एंड नॉट ओनली एयर एशिया, बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस है, बजट एयरलाइंस है जो कि लॉसेज में रन कर रही है बिकॉज ये पैंडेमिक ने इतना ज्यादा हिट कर दिया है सबको। फिस्कल ईयर 2020 की बात करें, हाँ यही 2020 जो सबकी ले रही है, इस ईयर में एयर एशिया इंडिया को $60 मिलियन का लॉस हुआ है। तो इस चीज से आई गेस आप लोग समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एयर एशिया। एंड एक ये भी रीजन है कि अभी जो एलिगेशंस लग रहे हैं एयर एशिया के, आप सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बट दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। आई एम टेलिंग यू ना, एक बात खुद से पूछो, हम इंडियंस है, ठीक है, हम इंडियंस है, हमें जहां सस्ती चीज मिलेगी वील बी गोइंग फॉर दैट। आप सोशल मीडिया पे भले ही ट्रेंड कर लो हैशटैग एयर एशिया इज अनसेफ, बट स्टिल पीपल आर प्रेफरिंग एयर एशिया बिकॉज भैया जहां सस्ती टिकट हमें मिलेगी हम वहीं से ट्रैवल करेंगे, एज सिंपल एज दैट। एक सिनेरियो बताता हूं इंडियन एविएशन मार्केट का, जेट एवेज क्यों फेल हुआ, ऑफकोर्स मिसमैनेजमेंट था, बट जेट एवेज वॉज अ फुल फ्लेजेड एयरलाइंस, वो फुल फ्लेजेड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी अपने कस्टमर्स को। यार आप नॉर्मल किसी लो कॉस्ट कैरियर में चले जाओ तो शायद से आपको उतनी क्वालिटी सर्विसेज नहीं मिलेंगी, बट इफ यू आर फ्लाइंग जेट एयरवेज या फिर कोई भी ऐसा जो फुल फ्लेजेड एयरलाइंस था, वहां पे आपको एक टॉप नॉच सर्विस मिलता था एंड आपको सब कुछ फूडिंग के साथ साथ, अरे भैया आपको टॉवल भी मिलता था, सोचो। लेकिन हम इंडियंस क्या चाहते हैं, वी वॉन्ट कि आप हमको पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी पे पटक दो, बीच में हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम ऑनबोर्ड खरीद लेंगे, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। लेकिन सिर्फ हमें जो प्राइस है टिकट्स के वो बहुत सस्ते चाहिए, मतलब इतने सस्ते कि पूछो मत, आपका बस चलेगा फ्री में उड़ा के लेके चले जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम कार्गो में भी आराम से बैठ के चले जाएंगे, बस आपको सिर्फ पॉइंट ए से उड़ा के पॉइंट बी पे पटक दो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो अभी लौट के आते हैं वापस वीडियो के ही बात पे। तो 2020 में जहां पे एयर एशिया इंडिया ग्रुप को इतना लॉस हुआ, सिर्फ एयर एशिया इंडिया ग्रुप को नहीं, जो एयर एशिया एज अ होल ग्रुप है, जो मलेशियन एयर एशिया है, उसको भी 803 मिलियन मलेशियन ब्रिंगेट्स का लॉस हुआ है। तो अब आप पूरा सिनेरियो समझो कि आफ्टर ऑल पूरा एयर एशिया का क्या हाल है।
एंड एक ये भी बात है कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से फ्लाइंग बहुत ज्यादा कम हो गई, बहुत ज्यादा कम मतलब एकदम से खत्म ही है। तो कुछ लो कॉस्ट कैरियर्स हैं जो कि अपना बिजनेस थोड़ा बहुत करके ग्रो कर रहे हैं, पर टाटा ग्रुप का क्या है, टाटा ग्रुप इज हैविंग अ जॉइंट वेंचर विद एयर एशिया इंडिया एंड टाटा ग्रुप का खुद का भी एक कंपनी है दैट इज विस्तारा, अगर आपको पता हो तो। एयर एशिया इंडिया तो लॉस कर ही रही है पर साइमल्टेनियसली विस्तारा का भी हाल कुछ उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जब टोनी फर्नांडिस ने एयर एशिया इंडिया ग्रुप को टाटा सन्स को सेल करना चाहा तो टाटा सन्स की तरफ से उतना कुछ एक अच्छा रिप्लाई नहीं आया। एज इट इज टाटा ग्रुप हैज देयर अथॉरिटी, हैज देयर पावर कि वो किसी भी मोमेंट पे नो कर सकते हैं। सो इसी वजह से आई गेस टाटा सन्स जो है वो अभी सोच रहे हैं कि अभी एयर एशिया से हम क्विट करते हैं एंड वी कंप्लीटली फोकस ऑन विस्तारा, बिकॉज विस्तारा एज कम्पेयर टू एयर एशिया इज इन अ काइंड ऑफ स्टेबल पोजिशन। एंड टाटा ग्रुप को फिर दो, वो कहते हैं ना दो नाव पे चलना, आगे का तो खैर आपको पता ही है, दो नाव पे चलना डैश डैश डैश। टाटा सन्स यही नहीं चाहता है, टाटा सन्स वॉन्ट्स कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एयरलाइंस को लेके चले एंड टॉप नॉच सर्विस प्रोवाइड करें। तो गाइस इस वीडियो में रखता हूं बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।